नमस्कार, प्रभात खबर की खास प्रस्तुति काव्य पूर्णिमा में आपका स्वागत है। मैं रजनीश आनंद। आज हमारे साथ हैं झारखंड की जानी मानी कवित्री मुक्ति सहदेव। मुक्ति जी की कविताएं महिलाओं को अपनी सी लगती हैं। इसकी क्या खास वजह है? मुक्ति अपनी कविताओं को कैसे लिखती हैं, किन भावनाओं के साथ लिखती हैं, इन तमाम बातों पर बातचीत करने के लिए हमने उन्हें आमंत्रित किया है। तो सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। मुक्ति, आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार। मुक्ति, आप रांची की हैं, तो आपका जन्म ही रांची में हुआ है? इस बारे में थोड़ा सा बताएं, थोड़ा सा अपना परिचय दे दें जो झारखंड के बाहर के कवि हैं, जो हाँ इस बारे में कम जानते हैं उनके लिए। हाँ धन्यवाद रजनीश जी। और रांची की ही हूँ और रांची में ही जन्म है और रांची के जगन्नाथपुर में गांव का माहौल में मैं पली बड़ी और शिक्षा दीक्षा भी हमारे पिताजी एचईसी में थे, तो हम एचईसी स्कूल में मेरी स्कूलिंग हुई और फिर जैसे पहले हम लोग रांची वुमेन्स कॉलेज में मेरी ग्रेजुएशन मैंने किया, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन, और उसके बाद मैंने मास्टर्स किया रांची यूनिवर्सिटी से, और उसी दरमियान आकाशवाणी और दूरदर्शन से मेरा जुड़ाव हुआ। पहले अनाउंसर के रूप में, फिर कुछ दिनों तक मैंने समाचार पढ़ा दूरदर्शन में, और साहित्य से अनुराग होने के कारण जुड़ती चली गई आकाशवाणी से, फिर बाद में कविताओं का प्रसारण हुआ और फिर अखबारों से जुड़ी रही और फिर यहीं पर मैंने कार्यक्षेत्र भी यही रहा, पहले अखबार में और फिर स्कूलिंग स्कूल में मैंने शिक्षिका के रूप में, मैंने हिंदी शिक्षिका के रूप में काम किया और अभी तक शिक्षण से ही जुड़ी हूँ। तो रांची ही जन्म स्थल, रांची ही कर्म क्षेत्र, और ऐसा ही है, रांची से ही हूँ। जैसा कि आपने बताया कि साहित्य से आपका अनुराग रहा, तो क्या आप बचपन से लिखती रही हैं? कब से आपका रुझान मतलब लेखन के प्रति हुआ, ये पहले बताइए। साहित्य अनुराग ऐसा है कि माँ और बाबा, यानी मेरे पिताजी और माँ दोनों साहित्य में रुचि रखते थे, और बांग्ला साहित्य, उड़िया साहित्य, हिंदी, नागपुरी, ये चार घर में हमारे समानांतर इन पर चर्चा होती थी और पढ़ी जाती थी। माँ उड़िया थी और बांग्ला उन्होंने सीखा रविंद्रनाथ और शरद चंद्र को पढ़ने के लिए, तो घर का एक माहौल रहा, बहुत सारी किताबें, हिंदी की पत्रिकाएं और उसी तरह से धार्मिक किताबें, वेद हैं या उपनिषद हैं, रामचरित मानस, ये सारी चीजें इतनी पढ़ी जाती थी और चर्चा होती थी वहाँ पिताजी भाई बहनों के बीच में, और धर्मयुग आती थी उस जमाने में, तो हम लोगों का एक, जैसे पहले मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं था, तो हम लोगों का अपनी पाठ्य पुस्तक पढ़ने के बाद जैसे लगता था कि इतनी सारी पत्रिकाएं घर में होती थी कि हम लोग को बाहर खेलने जाने के लिए भी बोलना पड़ता था कि जाओ दोस्तों के साथ थोड़ा मिलाओ। तो रुचि वहीं से जगी माँ पिताजी से और घर में एक माहौल रहा पढ़ने लिखने का, तो पढ़ती चली गई। लेकिन लेखन की शुरुआत अचानक से तो नहीं कहूंगी, जब लिखती थी तो स्वांतः सुखाय कहते हैं कि डायरी लिखने की तरह अपनी किताब कॉपियों के पीछे कुछ लिख लिया, कभी उसको रखा नहीं, लेकिन कुछ लिखते चले जाने का वो किस फॉर्म में आएगा ये उस समय नहीं मालूम था। लेकिन मुझे लगता है इंटरमीडिएट के आसपास मैंने लिखना शुरू किया, लगा कि हाँ, रांची एक्सप्रेस हमारे घर आता था तो कभी शौकिया रांची एक्सप्रेस में भेज दिया करती थी कविताएं, और जिस दिन कविता छप गई तो उस दिन लगा कि जैसे कि एक प्रमाण पत्र मिला कि मेरे लिखे को कोई नोटिस कर सकता है और मैं लिखती हूँ, तो एक उत्साह वहां से गया जागा, और तब मैंने उसको लिखना सिले सिलवार शुरू किया कि कुछ लिख रही हूँ तो। और उसी समय मुझे लगता है इंटरमीडिएट और बीए का था वो जो छुप छुपा के लिखना होता है, और मास्टर्स आते आते वहां पे एक साहित्यिक माहौल मिला, हमारे जो लेक्चरर होते थे, कभी कोई कार्यक्रम में कुछ पढ़ना हुआ तो कौन लिखता है, तो वो पढ़ते पढ़ते लिखते लिखते फिर थोड़ा आत्मविश्वास हुआ कि भाई लोगों को पसंद आ रही है चीजें, तो ऐसे शुरुआत हुई मतलब आपने लिखने इंटर की। से शुरू किया लिखना, हाँ तो कोई जो आपकी पहली कविता थी उसके जी बारे में, उसकी कुछ पंक्तियां याद है, हाँ या वो प्रकाशित हुई या नहीं हो पाई? हाँ पहली कविता के रूप में जो चीजें रांची एक्सप्रेस में आई, तो उसकी बूंद एक कविता थी, और उस कविता को मैंने लिखा, तो उसकी बहुत पंक्तियां मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन जो मेरी पहचान बनी, हम स्टूडेंट्स मिलकर और रांची के जो जाने माने साहित्यकार थे जैसे डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी जी थे, डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी, डॉक्टर माया प्रसाद, या उस समय दिनेश्वर प्रसाद जी,
ये सब हमारे गुरुजी भी थे, तो इन लोगों को हम लोग एक फोन कॉल करते थे लैंडलाइन से कि सर हम लोग यहाँ एक गोष्ठी रखे हैं, या हम लोग प्रेमचंद जयंती मना रहे हैं, या हम लोग दिनकर जयंती मनाना चाहते हैं। तो बहुत उस समय रांची में एक बहुत सक्रिय कोई संस्था, साहित्यिक संस्था बहुत सक्रिय नहीं थी, तो कुछ बड़े लोग और कुछ हम लोग नए लिखने वाले लोगों के एक संस्था हम लोग बनाए थे, कादम्बिनी क्लब। तो कादम्बिनी पत्रिका से जुड़ी हुई थी, वो हमारे मित्र थे आलोक आदित्य, तो हम लोग दोनों और राजीव थेपर हैं, अभी काफी लिखते हैं, ये लोग सब मिलकर हम लोगों ने ये शुरुआत की। और हमारे बड़ों का आशीर्वाद रहा कि उस दरमियान जो मैंने लिखा, मुझे लगता है उसी में दरमियान एक कविता थी मेरी, आंगन की गौरैया। और इस आंगन की गौरैया को मैंने शिल्पी जो एक संस्था हुआ करती थी कचहरी रोड में, वहां पर बैठ के मैंने दरी पर पढ़ा था। एक बहुत गंदी सी, वो गंदा सा माहौल था, एकदम जाले लगे हुए और गंदी सी दरी पर बैठ के, लेकिन वहां जो लोग बैठे थे वो बड़े जाने माने लोग थे, और उन्होंने बड़ी तारीफ करी उस कविता की कि आंगन की गौरैया। और उसके बाद से मैं जहां भी गई, चाहे मैं किसी बैंक में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है या आकाशवाणी जा रही हूँ, तो कुछ बड़े लोग, वरिष्ठ लोग मुझे आंगन की गौरैया कहकर बुलाने लगे। और कहीं भी कुछ भी कविता मैं पढ़ू तो कहते थे कि नहीं, एक बार आंगन की गौरैया सुना दो। तो मुझे लगता है कि मेरी पहचान आंगन की गौरैया से हुई। और इतने 30 सालों के बाद, मैं 25-30 साल के बाद, जब मैंने अपना पहला संग्रह पर मैंने ध्यान केंद्रित किया कि मुझे कविताओं को एक जगह करना चाहिए, तो उस समय मुझे वो ख्याल आया कि क्यों नहीं कविता संग्रह का नाम आंगन की गौरैया। तो दो वजह थी कि एक तो मुझे पहचान उससे मिली थी आंगन की गौरैया से, और मैं जब अपनी कविताओं पर नजर डालती हूँ तो घर आंगन की बातें, स्त्री मन की बातें, और जैसे मैंने बताया कि जन्म जगन्नाथपुर में हुआ था, तो एक जो वातावरण, खेत है, खलिहान है, बगान बाड़ी, वो हरियाली के बीच में संवेदनशील मन है, तो कभी गोरैयों की बात हो रही है, खेतों को देख रही हूँ, या बहुत सारे जो झारखंड की जो वन संपदा है उन सबके बीच विचरना और कविताएं लिखना। तो वो दो कारण था कि वो आंगन की गोरैया से ही मैंने अपने पहले संग्रह को प्रकाशित करवाया। तो वही बातें हैं कि वहां से ही पहचान बनी, तो स्त्री मन की ही बातें हैं। घर आंगन की एक बेटी की तरफ से कोई पढ़े मेरे संग्रह को या कोई कविताओं को पढ़े, तो लगता है कि हाँ, लड़कियों की इर्द गिर्द जो हम लोग के स्तर में लोग जो सोचते, समझते, झेलते या बर्दाश्त करते हैं, या उससे कुछ टूटता है, कुछ बनता है, बस ये कविताएं, कविताओं का मुख्य स्वर होता है मेरी कविताओं में। आंगन की गुरैया एक तरह से आपके लिए सिग्नेचर कविता होती है, तो मैं ये हाँ, आप चाहूंगी कि आप आज के कविता पाठ में उस कविता को जरूर सुनाएं हाँ, ताकि हमारे दर्शक भी उसे सुन सकें। कुहासे में लिपटा रहता था मेरा गांव, शीशम नीम और कचनार की छांव। कहीं हंसती थी गुलदाउदी की कतार, कहीं हंसती थी गुलदाउदी की कतार, तो कहीं गेंदा और तुलसी की झाड़। माँ लीपती थी नित्य गोबर से आंगन, माँ लीपती थी नित्य गोबर से आंगन, स्वप्न लोक में विहसता विचरता मेरा मन, कुएं में छोटा सा घरौंदा, भपरियों राजकुमारों का डेरा, नंगे पांव झुनझुना बजाता दौड़ता था भाई नन्हा। हिदायत थी सख्त कि देखना पैर ना फिसले नन्हे का, सामने है कुआं। सुबह शाम हर वक्त खूब फुदकती थी एक गौरैया, सुबह शाम हर वक्त खूब फुदकती थी गौरैया, कभी नींबू कभी अमरूद कभी कचनार की डार। बदला समय और बदला जमाना, बदला समय और बदला जमाना, पैरों में गुदगुदे जूते डाल, पक्की फर्श पर तीन पहिए के स्कूटर में घूमता है अब मेरे नन्हे का नन्हा। कुहासा अब भी छाता है यहाँ, कुहासा अब भी छाता है यहाँ, पर कहाँ नीम और कहाँ नार। बैगन बेलिया के बेलों में, यूकिलिप्टस की गगन चुंबी डालों में, बैगन बेलिया के बेलों में, यूकिलिप्टस की गगन चुंबी डालों में, कितनी एक रस्ता है गोबर लिपे आंगन में जहां तुलसी की झाड़ थी। गोबर लिपे आंगन में जहां तुलसी की झाड़ थी, सहम कर हंसते हैं गमलों में गुलाब। और मेरा घरौंदा, वह परियों राजकुमारों का डेरा, से दिखते हैं वहां वे बौने कटीले कैक्टस, वे बौने कटीले कैक्टस जिन्हें बड़े यत्न से लगाए हैं नन्हे की बहू ने। न पानी न खाद, हम एक हमारे अनेक कहते रहते हैं वर्षों आबाद। हाँ, अब भी आती है कभी कभी गौरैया, दूर बना लिया है बसेरा, फुदक है इधर उधर, माँ की तरह अब चावल दाल से बीन कर कुछ देती नहीं नन्हे की बहू। अब भी आती है गौरैया, दूर बसा लिया है बसेरा, फुदकती है इधर उधर,
माँ की तरह अब चावल दाल से बीन कर कुछ देती नहीं नन्हे की बहू, न सरसों रहे बगीचे में न नीम के बीज, कैसे पेट भरती गौरैया। पर प्यास बुझाती है अब भी उसी कुएं से, कहाँ रहा सुकून, कहाँ रहा सुकून। वह अभी चोंच डाला ही था कि मोटर पंप की आवाज से चौंक कर उड़ना पड़ा, पर दूर नहीं गई, दूर नहीं गई, बैठी रही अमरूद की डाल पर। क्या सहम कर घबरा कर छोड़ देगी आना, क्या सहम कर घबरा कर छोड़ देगी आना, आखिर कुछ अपना है इस आंगन में मेरा, शायद यही कहती आती है बार बार गौरैया, आती है बार बार गौरैया। ये जो कविता है आपकी वो मतलब अंदर तक छूती है, क्योंकि हर इंसान इन परिस्थितियों से ऐसे माहौल में पला बढ़ा है। एक कविता मैंने शायद आप माँ शीर्षक से है आपकी या क्या है ठीक से याद नहीं आप कर पा रही हूँ मैं, लेकिन आपने उसमें इस तरह से बताया है कि आप किस तरह से माँ की प्रतिरूप, मतलब जो भी उस कविता में नायिका है वो किस तरह से माँ की प्रतिरूप बनती जा रही है, तो वो एक कविता भी मैं आपसे सुनना चाहूंगी। हाँ, माँ और उसकी ऐसा होता रचना है कि प्रक्रिया को भी थोड़ा सा बताइएगा, कैसे रचना उसकी हुई वो हाँ, मतलब। मैं वही कह रही हूँ कि लड़कियों के साथ है ऐसा, मैं नहीं कहती कि लड़कियों का माँ का साथ ज्यादा जुड़ाव होता है या लड़कों का होता है। आज लड़कियां जो हैं, माँ का घर छोड़ना पड़ता है। जैसे एक होता है ना कि बड़े पेड़ को उखाड़ें और हम नई जगह पे डाल दें, तो कितना भी खाद पानी दो, ऊपर जरूर वो लहलहाती है लेकिन भीतर कहीं कुछ सूखता जरूर है, आप इस बात को महसूस करती होंगी। तो वो फिर नहीं लहलहा पाता है, तो वो जो एक कसक होती है। और आज तो लड़के भी चले जाते हैं तो निश्चित रूप से वो उस चीज को महसूस कर पाते होंगे, घर आंगन छूटने का जो दर्द होता है। तो ये बहुत शिद्दत से वो चीजें मेरे अंदर बुलबुलाती हैं। तो माँ, हालांकि मैं उसी शहर में रही शादी के बाद भी, फिर भी काम की व्यस्तता हो या अपनी कुछ जिम्मेवारियां हो, चाहकर भी हम लोग एकदम से नहीं मिल पाते हैं जैसे शादी के पहले अपना घर हुआ करता था। तो माँ की देहरी पर बहुत सारी मेरी कविताएं हैं कि माँ की नसीहतें हैं, माँ है। या जब मैंने देखा कि माँ एकदम, अब ऐसा होता था कभी बहुत भावुक को क्षण होता था कि अभी इस बार मिली और 15 दिन के बाद गई या महीने भर के बाद गई, तो माँ कुछ क्षणों तक पहचान नहीं पाती थी। तो वो दौर भी देखा, तो वो बड़ा एक, उसको हम शब्द देकर नहीं बता सकते कि वो क्या महसूस करती है एक लड़की की और अपनी माँ नहीं पहचान रही कुछ क्षण तक। तो वो सारे जो दर्द है, बहुत सारी कविताओं में मैंने माँ को लिखा है। तो माँ की जो नसीहतें हैं, मुझे बहुत प्यारी है वो कविता। और उस दरमियान मैंने, मुझे लगता है 2000, सन 2000 के आसपास मैंने लिखी थी कि माँ की जो चीजें होती है, कैसे हम लोग आंचल में बांध कर उसको लाते हैं। तो नसीहतें नाम से मैंने एक कविता लिखी थी, मैं वो सुनाना चाहूंगी। हालांकि ढेर सारी कविताएं हैं माँ पर, तो नसीहतें मेरे दिल के बहुत करीब है। तो वो कविता है कि उस दिन तुम्हारा आंचल छोड़ आई थी, उस दिन तुम्हारा आंचल छोड़ आई थी और अपने आंचल में बांध कर लाई थी तुम्हारी नसीहतें। जिसे विदा करते समय बांध दिया था तुमने मेरे रेशमी आंचल की डोर से, जिसे बांध दिया था विदा करते समय तुमने मेरे रेशमी आंचल की डोर से, उस दिन भरे मन से तुम्हारा आंगन भी छोड़ आई थी, उस दिन भरे मन से तुम्हारा आंगन भी छोड़ आई थी जिसे अब तक अपना कहती आई थी। एहसास हुआ था कि पराई शब्द ऐसे क्यों गुथा हुआ है हमारे साथ, एहसास हुआ था कि पराई शब्द ऐसे क्यों गुथा हुआ है हमारे साथ, आंचल छूटा आंगन भी छूटा, आंचल छूटा आंगन भी छूटा, खैर रह गई, पर रह गई तुम्हारी नसीहतें। बड़ी पुख्ता गांठ है यह, बड़ी पुख्ता गांठ है यह जो खोले नहीं खुलती, जाने अनजाने और बंधती जाती है। तार तार होता है मन, तार तार होता है मन, बार बार सजल होते हैं नयन, पर गांठ ये खुलती नहीं। यहाँ भी है एक अपना सा आंगन, यहाँ भी है एक अपना सा आंगन जिसमें आती है गौरैया। बरसता है मेह और चहकता है मन भी, उठ उठ पाँव, मन कहता है चल पड़ू तुम्हारे ठाँव, पर रोक लेती है मुझे तुम्हारी नसीहतें, तुम्हारी नसीहतें। बहुत बेहतरीन, मतलब इस कविता को मैंने भी कई बार पढ़ा है। और माँ मतलब एक स्त्री के मन की जो बात होती है कि उसकी बिल्कुल पीड़ा वो इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से आपने बताया है। अच्छा, कई धन्यवाद। कविताएं हैं आपकी जो उसमें दिखता है कि आपके मन का द्वंद, या आपके नहीं कहना चाहिए, एक मतलब जो स्त्री मन का द्वंद जो है वो दिखता है कविताओं में, तो आप कैसे लिखती है कविताएं?
आप कुछ महसूस करती हैं, आसपास के माहौल को देख करके करती हैं, क्या मतलब उसकी रचना प्रक्रिया क्या है, वो थोड़ा सा बताइए। हाँ, मैं ये बताना चाहूंगी जो मैंने महसूस किया है लिखते हुए कि चीजें बहुत व्यक्तिगत होती हैं कई बार, कि एकदम मेरे मन में, और अगर पाठक उसको पढ़कर कह रहा है कि अरे ऐसा तो मेरे साथ भी होता है, तो कविताएं वही हैं जो बहुत गहराई के क्षणों में बहुत ही संवेदनशील मन से कविताएं, जब बहुत आप व्याकुल हो, बहुत खुश हो या बहुत तकलीफ हो, तो ऐसे क्षणों में ही कविताएं गाई जाती हैं, और श्रेष्ठ कविताएं तो वही होती हैं जो तकलीफ में गाई जाएं। तो हमारे आसपास क्या कुछ नहीं घटता है, जो हमारा वर्क प्लेस है, जो स्कूल जाती रही हूँ लगभग पिछले 24 सालों से मैं सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा रही हूँ, तो जो एडोलेसेंस वाले जो बच्चे आते हैं या कुछ बच्चे हैं जिनकी पेरेंट्स आते हैं, वो उनकी तकलीफ मैं सुनती रही। लगभग 18 वर्षों तक मैं पिछले स्कूल में, ब्रिजफोर्ड स्कूल में, मैं हिंदी शिक्षिका सह काउंसलर के पोस्ट पर भी रही। तो वो काउंसलिंग के दरमियान मैंने इतनी चीजें देखा, इतनी जाना, मुझे नहीं लगता कि अगर मैं घर में होती, कविताएं लिखती पढ़ती रहती, तो इन चीजों को मैं इतनी गहराई से या इतनी नजदीक से देख पाती। तो कहीं ना कहीं वो जुड़ती हैं साथ में चीजें, कि अरे तकलीफ ये भी है, केवल मेरा ही तकलीफ नहीं है। तो हम लोग वही जो बाहर निकल लें या समझ पाए, दूसरों से मिलें जितना, तो इतनी वैरायटी मैंने अभी तक देखी, इतने तरह की चीजें हैं, यानी दुख कहाँ कहाँ और कितना कितना, फिर उसके सामने कभी कभी अपना दुख बौना पड़ने लगता है। सब भी शब्द के माध्यम से वो निकलते रहे, और ना निकले तो आदमी का जीना मुहाल हो जाए, क्योंकि जो हम लोग का टाइम शेड्यूल होता है कि सुबह एकदम भोर में उठे, स्कूल गए, कामों को निपटाया, आए, तो एक फिर घर में भी हम महिलाओं को करना ही पड़ता है, घर की जिम्मेवारियां होती हैं, तो उस दरमियान कैसे निकले वो, कहाँ, ऐसा भी होता है कि घर के लोगों से हम लोग बात नहीं कर पाते पूरी, तो वो शब्दों के माध्यम से निकली कविताएं। तो जो कुछ होता है समाज में, जो अपने आसपास देखती हूँ, तो हर वो सारी चीजें कविताओं में, स्वतः मेरे लिए कविता अपने अभिव्यक्ति को, अंदर की जो मेरी जो महसूस थी उन चीजों को, उसकी अभिव्यक्ति के लिए सबसे मेरे लिए सशक्त माध्यम है कविता। और अगर किसी को पढ़ के उसको लग रहा है, तो मुझे कई बार झेप भी होती है कि एकदम मेरी ये बातें हैं, कोई इसको क्यों पढ़ेगा, लेकिन कहीं से अगर एक प्रतिक्रिया भी आती है, ये कोई कहता है कि हाँ ऐसा होता है, तो वो सुकून वाली बात होती है कि मैं वहां तक पहुंच पाई अपने शब्दों के माध्यम से। और यही मुझे ऐसा महसूस होता है कि यही कविता की विशेषता, उसकी खासियत है कि लोग उससे कनेक्ट होते हैं, उन्हें लगता है कि ये तो मेरे साथ भी हो रहा है। कई बार बिल्कुल ऐसा होता है मुक्ति के लोग ये कहते हैं कि कविता, मैंने कई लोगों को ऐसा बोलते सुना है कि कविता बस ऐसे ही लिख दी जाती है, कविता का कोई खास प्रभाव आपके आसपास समाज पर नहीं पड़ता है। आपको क्या लगता है कि कविताओं का, क्योंकि जैसे पहले अगर पुराने जमाने की बात करें, कोई क्रांति होती थी तो वो कविता गाते थे जोश भरने के लिए, तो क्या आपको लगता है कि आज के दौर में कविताएं अपना प्रभाव छोड़ रही हैं, क्या कविताएं प्रभावशाली नहीं रही, ऐसा क्या आपको लगता है? नहीं, मेरा ये मानना है कि कविताएं एक सशक्त माध्यम है, और बदलाव लाने के, समाज की बात हो या जैसे पुराने जमाने में, जैसे अभी बच्चों के सिलेबस में कविताएं आज भी हैं, तो बच्चे जैसे पूछते हैं, या आजकल के जो बच्चे हैं बहुत अंग्रेजी साहित्य पढ़ने वाले, या टीवी पर वो गाना सुनने वाले बच्चे, लेकिन अब एक कविता का मैं उदाहरण दूंगी जो आपका प्रश्न है उसको स्पष्ट करने के लिए, कैदी और कोकिला कविता, तो माखनलाल चतुर्वेदी की कविता हम लोगों ने भी अपने बचपन में पढ़ा है। तो हम लोग जैसे कहते हैं कि कहीं कहीं पर ये आप भी पढ़ती होंगी कि भाई देशभक्ति की भावना कम हो गई, तो मैं इसको नहीं मानती हूँ, कि मैं जब पढ़ाती हूँ उन बच्चों को जो एकदम दूसरे माहौल में पढ़े बड़े हैं, लेकिन जब ये कैदी और कोकिला की कविता जब हम समझाने गए, या झांसी की रानी की कविता पढ़ा रहे हैं, उनकी आंखों में जो मैं देखती हूँ कि देश भक्ति के प्रति, या उसको महसूस कर पाते हैं, तो उस जमाने में जो कविताएं काम कर रही थी कि समाज को बदलने के लिए, जैसे हम बताते हैं कि कविताएं, साहित्यकार अपने स्तर से समाज को बदल रहा था कविताओं के माध्यम से या लेखों के माध्यम से, तो आज भी मुझे लगता है कि जो बहुत सारी घटनाएं समाज में होती हैं एकदम, जिसको पढ़कर रोंगटे सिहर जाएं, या आज हम अखबार में कुछ पढ़ रहे हैं, हेडलाइन ऐसा है कि पूरा दिन हम अपसेट हैं उसको पढ़ के सुन के, ऐसा भी हो रहा है, तो उसको अगर हम रात में कविता उस पर रचते हैं, तो आप बताइए उसको आज से कितने साल के बाद भी आज के कवियों की कविताएं लोग पढ़ें, तो वो समाज का दर्पण पहले भी था साहित्य, तो कविता को हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं, साहित्य है और एक सशक्त माध्यम है, बल्कि अन्य विधाओं से हम कहेंगे कि ज्यादा प्रभावशाली है कविताएं, जैसे पहले थी, आज की भी जो आज कुछ जो लिखा जा रहा है अब एकदम, आजकल के टेक्नोलॉजी की चीजें हैं, आजकल के शब्द कुछ नए हैं कविताओं में, तो भाई आज से 25 साल बाद यही जमाना नहीं रहेगा,
तो इस जमाने को बताने के लिए ये कविताएं और उनके शब्द एकदम वो स्पष्ट कर देंगी हमारे जमाने को। तो जैसे पहले हुआ करती थी, मेरा ये मानना है कि नहीं, प्रभाव अभी भी है और अच्छा प्रभाव है कविताओं का, और दिल से दिल तक पहुंचती हैं बातें। तो यही प्रमाण है कि कविताएं पढ़ी जा रही हैं, कविताएं लिख रहे हैं लोग, इतने बहुत बड़े बड़े कवि हैं, और जा रही हैं चीजें, अनुदित हो रही हैं दूसरी भाषाओं में। तो कविता कमजोर नहीं हुई है आज भी हिंदी कविता के मेरे। लिए क्या कहेंगे आप? हिंदी कविताओं के बारे में कहा जाता है कि जो जैसे महादेवी वर्मा के पास हम चले जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी कविताओं पर नजर दौड़ाते हैं, तो जो आज के बच्चे हैं, कई लोग कहते हैं कि समझ में ही नहीं आता है कविता, मतलब समझ में ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है कि समझ नहीं आती कि कविता क्या है। तो आपको क्या लगता है कि लेखन जो कर रहे हैं उनको आज के समय के अनुसार क्या शब्दावली चयनित करनी चाहिए, क्या लगता है आपको? तो चाहिए नहीं, वो समय के अनुसार शब्दावली बदल जाती है। आप अगर देखें बच्चन की कविताओं को देखें, महादेवी वर्मा की कविताएं, जयशंकर प्रसाद, सबका अपना एक स्टाइल था कि कोई संस्कृत निष्ठ शब्दों में लिख रहा है, कोई बोलचाल की भाषा में कविताएं लिखी जा रही हैं। तो पहले जैसे छंद में कविताएं लिखी जाती थी, आज भी लिखी जाती है, लेकिन एक जो गद्यात्मक कविताओं का दौर आया है, उनका एक अनूठा अपना स्वाद है, अपना एक अंदाज है। तो अभी भी लिखी जा रही है, छंद में भी लिखी जा रही है कविताएं, या जो बातचीत के हिसाब से लिखी जा रही है, या गद्यात्मक कविताएं आ रही, तो उनका अपना एक आकर्षण है, क्षणिकाएं हैं, और तमाम वो सारी जो विधाएं हैं उसमें लिखी जा रही हैं कविताएं। और कठिन कह देना तो उस जमाने में भी कहते थे लोग कि ये भाई थोड़े क्लिष्ट हैं, जैसे आप संस्कृत में शब्द हैं, संस्कृत निष्ठ कविताएं हैं, तो उसको बच्चे जरूर बोलेंगे कि समझ में नहीं आ रही है कविताएं, या उसमें अंग्रेजी के शब्द जैसे आजकल हमारी बोलचाल में शामिल हो गए हैं, आप देखेंगी कि कविताओं में भी वो शब्द आते हैं। तो जो हिंदी का दायरा ही इतना बढ़ता जा रहा है हर दिन, तो हम क्यों, जब अगर बोलचाल में वो भाषा है तो कविताओं में प्रयोग करें, उसको नए प्रयोग रोज हो रहे हैं, और आदमी सोच कर नहीं करता है, कई बार चीजें हो जाती है। जैसे अब एक शब्द है, जैसे एक कविता थी, मुझे एकदम ठीक ठीक याद नहीं, लेकिन हम मुझे याद है हमारे डॉक्टर बालेंद्र शेखर तिवारी हमारे बहुत प्रिय कवि हुआ करते थे, टीचर हुआ करते थे, और व्यंग्य उनकी विधा थी। तो एक शब्द था सफोकेशन, एक किस कोई कविता में एक शब्द आया था सफोकेशन शब्द, तो हूबहू वो लिखा हुआ था। तो किसी ने उस पर बहुत आपत्ति की थी कि सफोकेशन के लिए क्या हिंदी में शब्द नहीं है, तो उसको उन्होंने यही कहा था, मुझे याद आती है, मेरे गुरु जी थे वो, कि भाई सफोकेशन अगर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में ज्यादा सक्षम है, तो सफोकेशन अगर समझ में आती है, तो जैसे दूसरी बार उर्दू फारसी के शब्द हैं, तो अंग्रेजी के शब्द भी या बोलचाल की भाषा आज को नहीं है, कल को स्पेनिश आ जाए शब्दों में, जिसको लोग समझ रहे हैं, क्योंकि आजकल एक बड़ी, आज की जो पीढ़ी है, बड़ी संख्या में लोग स्पेनिश गाने सुना करते हैं, तो उसके कोई कॉमन से शब्द ऐसे आ जाए जिसको बहुत संख्या लोग समझ रहे हैं, तो उसको, मुझे नहीं लगता कि उसको कोई भी भाषा की कविता को एकांगी नहीं होना चाहिए, दायरा खुला होना चाहिए, और उसमें शब्द आते हैं और लोग गढ़ रहे हैं उसमें। और जो वो एक होता है कि भाई क्लिष्ट है कविता, तो सबकी अपनी रुचि है, किसी को आज भी संस्कृत निष्ठ शब्दों में लिखी गई कविताएं, प्रसाद की कविताएं पसंद है, तो किसी को एकदम आधुनिक प्रयोगों वाली कविता पसंद आ रही है। तो अपना अपना अपनी अपनी रुचि है, और अपनी रुचि के अनुसार लोग पढ़े, क्लिष्ट लग रही तो कविता आप नहीं पढ़े, जो आपकी पसंद की है आप वो कविता पढ़े। इतने आपके साथ जो बातचीत हो रही है, तो आपने कई रचनाकारों का नाम लिया, बच्चन जी का लिया, माखनलाल चतुर्वेदी का लिया, आप ये बताएं कि आपको किन की कविता सबसे ज्यादा पसंद है और कौन सी कविता? हाँ, कोई एक शैली में मैं नहीं बंधी रहना चाहती हूँ, और मुझे आप देखेंगे कि मैं अगर सूरदास बच्चों को आज पढ़ा रही हूँ, तो मुझे इतना अपील होता है अंदर से कि मैं इसके आगे की भी बातें पढ़ूँ, तो मैं सूर सागर सार निकाल के घर में पढ़ने लग जाती हूँ। रामचरितमानस सुनते हुए बहुत अच्छी लग जाती है, आगे इतना डूब तो मेरे उस पर कोई एक बंदिश नहीं है, लेकिन फिर भी हरिवंश राय बच्चन को मैं बहुत छोटे में, मेरी माँ के लाइब्रेरी में, छोटी सी एक लाइब्रेरी थी, वहां पर हरिवंश राय बच्चन की ढेर सारी कविताएं, कविताओं की किताब थी, उनके पहले जो दो थे आत्मकथा, उनके क्या भूलूं क्या याद करूं, और नीड़ का निर्माण, फिर तो ये सब मैं उनकी लाइब्रेरी से कुछ, हालांकि हम लोगों के लिए जब तक हम लोग स्कूल में थे तो बाइफर्केट किया रहता था कि ये कविता ये पढ़ोगी ये नहीं पढ़ोगी, तो जैसा होता है आमतौर पर नहीं पढ़ोगी वाले पे आकर्षण ज्यादा होता है, तो वो चाबी वाबी हम लोग मार के वो पढ़ लिया करते थे। तो उसमें सबसे ज्यादा मेरे हाथ आती थी चीजें, वहां पे गुलशन नंदा के भी उपन्यास होते थे, पर उसमें मेरी रुचि नहीं रही एक आध पढ़ के। तो मैंने बच्चन को बहुत छोटी उम्र में सब उनका वो आत्मकथा दोनों, और जो ढेर सारी उनकी कविता की किताबें थी, वो सब मैंने पढ़ा, तो मुझे एक बहुत पसंद आती है, महादेवी की कविताएं भी पसंद आती है, लेकिन बच्चन को दीवानगी की हद तक मैं पसंद करती हूँ उनकी कविताओं को। कि आत्मकथा पढ़ी तो कविताओं को पढ़ते हुए मुझे लगता है कि ये इस दिन लिखी गई है, इस दिन नहीं इस वक्त पे लिखी गई है उनकी, तो
तो अगर किसी की आत्मकथा हम जान रहे हैं या पढ़ लिए हैं और उसके बाद उनकी कविताओं को पढ़ें तो एक बहुत मजा आता है उसको पढ़ने में, जैसे कि एक कहानी सुन रहे हैं और कविताओं के माध्यम से उसको सुन रहे हैं। तो बच्चन से मैं बहुत पसंद करती हूँ उनको। इसके अलावा भी पढ़ती हूँ, जैसे मैंने कहा मैं तुलसीदास को भी पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। या मैं सूरदास के भी पद, कृष्ण से संबंधित कविताएं, जो आधुनिक भी कविताएं हैं, बहुत नाम मैं नहीं बता पा रही हूँ आपको, लेकिन जो मुझे पसंद आ जाए। महादेवी को एक वक्त था जो हम लोग निराला और महादेवी को ऐसे पढ़ते थे कि कहाँ से मिल जाए, पढ़ना ही है। तो कविताएं चाहे वो एकदम बहुत जो प्रसिद्ध नहीं है हमारे यहाँ कोई भी कवि, उनकी भी कविताएं, एक ही कविता उनकी पढ़ी वो भी पसंद आते हैं। दुष्यंत कुमार की भी कविताएं पसंद आती हैं, और पढ़ने का कोई वो सीमा नहीं है। मुझे कविताएं अच्छी हैं, और जो अपने समकालीन कवि हैं बहुत ऐसा लिखते हैं जैसे लगता है कि रोज दिन मैं स्कूल बस में जाती हुई उनके वाल पे जाती हूँ और कुछ नया ऐसा मिलता है। यहाँ रांची के बहुत सारे संवेदनशील, बहुत सारे कवियों की बहुत सारी रचनाएं मुझे बहुत पसंद है। तो ऐसा नहीं है कि वो बड़ा ही नाम होना चाहिए। ध्रुव गुप्त सर की कविताएं, गजल मुझे बहुत पसंद है। गीत चतुर्वेदी जी को मुझे बहुत पसंद आते हैं, लोकल यहाँ है। रश्मि बहुत अच्छा लिखती है। रेणु त्रिवेदी मिश्रा को मैं बहुत पढ़ती हूँ। तो ऐसा कोई मेरे लिए दीवार नहीं है कि यही, जहाँ बहुत अच्छी रचनाएं हैं और मुझे अच्छा लगता है उसको पढ़ते चले जाना। आपकी आपका एक संग्रह आया है ना अभी कविताओं का, कहानी हाँ, साझा संग्रह दो थे और ये का कल यही आंगन की गौरैया है। और औरतों पर है, मुझे लगता है कि संघर्ष करती हैं औरतें, कई बार टूट जाती हैं कहा जाता है, लेकिन अगर ऊपर से टूटती हुई नजर भी आती है औरत, तो मुझे लगता है कि संघर्षों से अंदर वो उसका बहुत कुछ बनता है, मतलब बहुत मजबूत होती है वो। तो उस तरह की भावनाओं से लिखी गई एक कविता है कि कितने संघर्षों के बाद और कितने अरमानों को देकर तिलांजलि खड़ी होती है एकदम अपने पैरों पर एक औरत। पता है उस औरत के पास बहुत अधिक होता है साहस अंधेरों से लड़ पाने का। उस औरत के पास बहुत अधिक होता है साहस अंधेरों से लड़ पाने का। उस औरत के पास भरा होता है पुलिंदा विश्वास का। उसके पांव के नीचे की जमीन बहुत सख्त होती है हर आंधी को बर्दाश्त कर लेने को। उसकी भींची मुट्ठियों में बहुत विस्तार होता है उसके हिस्से के आसमान का। उसके हृदय की अतल गहराइयों में भले भरी हो टीस अपनों की बेवफाई, उसके अंदर की अतल गहराइयों में भले भरी हो टीस अपनों की बेवफाई की, पर उसके पोर पोर से छलकती है बूंदें स्वाभिमान की। वह औरत एक पल को घबरा भी जाए, वह औरत एक पल को घबरा भी जाए असफलताओं से, पर हार नहीं मानती हरगिज अपने संघर्षों से, कि जीत ही जाती है वह जिंदगी की हर जंग, जीत ही जाती है वह जिंदगी की हर जंग, और बर्दाश्त कर किस्म किस्म के व्यक्तित्व को वह बन जाती है एकदम से फौलाद, बन जाती है एकदम से फौलादी इरादों वाली। सभी संघर्षशील महिलाओं को ये समर्पित थी मेरी कविता। जी, प्रेरित करती है महिलाओं को समर्थित होकर। काव्य पूर्णिमा के आज के अंक में आपने सुना मुक्ति सहदेव की कविताएं। अगले अंक में हम आपको देश के किसी चर्चित कवि या कवित्री की रचनाएं सुनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।